हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर नंबर 6 में आज जो हमारा वीडियो है वो पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 14 है। पार्ट नंबर 13 तक मैंने आपको पिछले वीडियो में कराए हैं, अगर आपने वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देख लें ताकि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मनोज सर गुरुमंत इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और देखिए, मैंने इससे पिछले वीडियो पार्ट नंबर 13 में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल कराए थे और वो न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल हैं सारे, तो आप उनको ज़रूर देख लें, ठीक है। तो पार्ट नंबर 14 है आज, और आज हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लास्ट वीडियो हमारा इस चैप्टर का, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर के मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। और कल से हम आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम इसको चलिए समाप्त कर देते हैं आज इस चैप्टर को। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है, इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। देखिए इसमें हमको क्या दे रखा है, पहले हम इसमें लिख लेते हैं क्या दिया है हमको, दिया है, देखिए क्या दे रखा है, स्वप्रेरण गुणांक। और स्वप्रेरण गुणांक को हम एल लिखते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं, हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था वहां भी आपको बताया था 80 मिली हेनरी है। तो 80 मिली हेनरी, मिली का मतलब होता है 10^-3 हेनरी, ठीक है। कितने समय में धारा, अर्थात आपको डीटी निकालना है, कितने समय में धारा, ठीक है। चलिए मैं इसको आगे लिख दूंगा, यहां से छोड़िए इसको। फिर है इसमें धारा शून्य से बढ़कर, यानी डी आई धारा परिवर्तन कितना होना चाहिए, शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर, यानी 0-5, ठीक है, यानी कि -5 एम्पियर डी आई निकल गया। विद्युत वाहक बल यानी ई कितना होना चाहिए, 40 वोल्ट, 400 वोल्ट, तो हमने इसको यहाँ लिख लिया है। और इस वक्त पूछा कितने समय में धारा, अर्थात हमको ज्ञात क्या करना है, धारा ज्ञात करना है, क्या निकालना है, निकालना है कि धारा कितने समय में है ना, कितने समय में, अर्थात समय निकालना है डी टी, ओके, इतना आपको करना है इसमें। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो सबसे पहले हम जानते हैं L बराबर, फेराडे का नियम लगा दीजिए इसमें, E बराबर माइनस के L डी आई अपॉन डी टी, ओके। अब देखिए यहां से E का मान 400 हमको दे रखा है माइनस के L, L कितना 80 × 10^-3, और डी आई कितना है माइनस के 5 एम्पियर डी आई अपॉन डी टी, ये हमको ज्ञात करना है डी टी। अब देखिए यहाँ पर 8^5 = 40, माइनस माइनस प्लस, 8^5 = 40, यानी कि ये पूरा कितना हो गया, 400 ही हो गया। तो 400 बराबर माइनस माइनस प्लस के 8^5 = 40, यानी 400 × 10^-3 अपॉन डी टी। अब देखिए ये इससे ख़त्म हो गया, यानी डी टी कितना आ गया, यहाँ से हम देख पाए कि जो हमारा डी टी है समय कितना आ गया, 10^-3 आ गया, और ये क्या आ जाएगा, सेकेंड, ओके। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इसको जरूर कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए हम लेते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए क्या क्वेश्चन है, 1000 फेरों वाली एक कुंडली में, अर्थात हमारे यहां पर, यहां हमारे पास एक कुंडली है जिसमें 1000 फेरे हैं, 2.5 एम्पियर की दृष्ट धारा प्रवाहित करने पर, कितनी धारा प्रवाहित की गई है इसमें, 2.5 एम्पियर, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4×10^-4 वेबर है, और जो धारा प्रवाहित की गई है कुंडली के अंदर तो उससे बद्ध कुछ ना कुछ चुंबकीय फ्लक्स का मान भी होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है, इतना है।
अब उस कुंडली का प्रेरकत्व क्या है? देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं प्रेरकत्व की बात की गई है, लेकिन प्रेरकत्व हमारा कौन सा होता है? दो प्रकार का होता है, स्व प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व। अब समस्या ये है कि आपको क्या निकालना है, कौन सा प्रेरकत्व, स्व प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व। तो देखिए ध्यान रखिए, जब हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो उस टाइम भी हमने आपको बताया था, यदि दो कुंडलियों की बात की जाए तो अन्योन्य प्रेरकत्व, और अगर एक ही कुंडली की बात की गई है तो स्व प्रेरकत्व। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कहीं भी दूसरी कुंडली की बात यहां पर नहीं की गई है, इसलिए यहां पर हम क्या निकालेंगे, प्रेरकत्व का मतलब है यहां पर स्व प्रेरकत्व। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा कि यहां पर स्व प्रेरकत्व एल का मान निकालना हमको। ठीक है, तो क्या दे रखा है, एन बराबर फेरों की संख्या कितनी है, 1000, 1000 फेरे हैं, एन फेरों की संख्या, और कितनी धारा आई इसमें है, 2.5 एम्पियर। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान कितना है, फाई बराबर 1.4 गुणा 10^-4 वेबर WB। ठीक है, कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व निकालना है तो हम लिख सकते हैं यहां पर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए क्या ज्ञात करना है हमको, यहां पर L निकालना है कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व L। ठीक है, अब करते हैं हम इसको हल। देखिए जब हमने आपको स्वयं प्रेरकत्व कराया था तो वहां हमने आपको एक फॉर्मूला कराया था। ठीक है, क्या कराया था, L बराबर N फाई अपॉन I, ये हमने आपको एक फॉर्मूला कराया था। ठीक है, अब देखिए आपको L ही तो निकालना है, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए सारी की सारी, तो L बराबर N, N का मान है 1000 और फाई का जो मान है 1.4 गुणा 10^-4 है एन फाइव, और आई का मान कितना, देखिए आई है 2.5 एम्पियर। आप चाहे तो इसको पॉइंट हटाकर यहां 10 कर सकते हैं और 25 चौक 100 यानी कि 40 बार कट जाएगा। ठीक है, और एल का मान कितना हो जाएगा, देखिए 14 चौक 56, ठीक है 560 और एक के बाद पॉइंट, यानी 56 ही आ गया। ठीक है, 56 आ गया ये मल्टीप्लाई करके 1.4 की 40 से, और गुणा 10^ कितना हो गया, ये -3 कर सकते हैं आप। ठीक, 56 × 10^-3 हेनरी, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये जो क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको जरूर कर लेना, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए हम लेते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। एक कुंडली का प्रेरकत्व 3 × 10^-3 हेनरी है, यदि 0.1 सेकंड में कुंडली धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक कुंडली है और उसका प्रेरकत्व, अर्थात यहां पर भी आपको क्या दिया है, यहां पर भी एक ही कुंडली की बात की गई है, तो यहां पर ये कौन सा स्वयं प्रेरकत्व है। ठीक है, तो कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व कितना दिया हुआ, 3 × 10^-3 हेनरी, मैंने लिख दिया यहां पर 0.1 सेकंड में, अर्थात समय कितना है 0.1 सेकंड। ठीक है, कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर शून्य हो जाए, कितना 5 से घटकर के शून्य हो जा रहा है। ठीक है, तो DI का मान कितना हुआ, 0 − 5 यानी कि −5 एम्पियर। ठीक है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, और प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई होता है, हमें इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपके समझ में आया। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, ई का मान निकालना, अब करते हैं इसको हल। ठीक है, हल करने के लिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको हम अप्लाई करेंगे, ई बराबर −kL dI/dt, यही तो होगा। अब देखिए यहां पर ई का जो मान है वो तो हमको फाइंड करना है, −kL, L का मान है 3 × 10^-3। ठीक है, −kL और DI, DI का मान कितना है, −5 DI/dt, DT कितना है आपका 0.1 सेकेंड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इतना सारी वैल्यू रख दी हमने, और इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 से हो जाएगा 15 × 10^-3, और ये हो जाएगा 0.1, पॉइंट हटा दीजिए और आप इसको 10 कर लीजिए, 15 × 150, तो ई बड़ा हो जाएगा 150 × 10^-3 वोल्ट।
ठीक है, आप इसको इतना कर सकते हैं, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है 2011 और 2012 लगातार 2 साल रिपीट हुआ था बोर्ड में, ठीक है, तो आप इसको जरूर कर लेना। ठीक है, समझ में आया आपको इतना। चलिए मैं अब यहां से आपको एक अन्योन्य प्रेरकत्व का भी एक क्वेश्चन करा देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है, क्या दिया है देखिए। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 30 एम्पीयर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए, तो द्वितीय कुंडली में 1500 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये 2007, 2009 और 2012, 3 साल बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, और काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करें। ठीक है, देखिए यहां पर क्या दिया है, देखो देखिए यहां पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक, पहली बात तो सीधे सीधे कहा है कि एम का मान निकालना है। यदि यहां पर अन्योन्य शब्द नहीं भी होता, खाली ये होता कि प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या फिर ये कहता कि प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, अन्योन्य शब्द नहीं भी आता तो भी आप समझ जाते, क्योंकि हम प्राथमिक कुंडली है और द्वितीय कुंडली, यानी अर्थात यहां पर 2 कुंडलियों की बात की गई है। ठीक है, जब 2 कुंडलियों की बात की जा रही है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर 2 कुंडलियों के मध्य जो होता है प्रेरण, उसी को कहते हैं हम अन्योन्य प्रेरण, इसलिए यहां पर अन्योन्य प्रेरण का ही फॉर्मूला लगता। ठीक है, वैसे भी आप समझ पाते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले देखिए प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, धारा परिवर्तन कितना हुआ है, कितना हुआ है, 30 एम्पियर से शून्य हुआ है, तो DI1 प्राथमिक कुंडली में है, इसलिए मैंने I1 लगा दिया यहां पर 0 से 30, यानी कि -30 एम्पियर। ठीक है, और विद्युत वाहक बल कौन सी में उत्पन्न होगा, द्वितीय कुंडली में, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, E2 लिखा है, तो E2 कितना होगा, 1500 वोल्ट। तो यहां पर आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक M निकालना है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे सीधे सीधे, क्या होता है, E बराबर -KM dI1/dt। E2 द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल होता है और प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। यहां से आप क्या कर दें, सारी वैल्यू लगा करके आप यहां से एम का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो E2 की वैल्यू कर सकते हैं आप 1500, मैं इसको यहां कर देता हूं, 1500 बराबर -KM dI1 का मान कितना है, -30 अपॉन dt, dt है आपका 0.001। ठीक है दोस्तों, यहां से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1500 × 0.001 बराबर, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 30 m आ जाएगा। ठीक, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगाएंगे और 3 0 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रही है, और देखिए 2 2 0 से 2 0 यहां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कितना बचेगा आपका, 15 बचेगा, यहां कर देता हूं मैं इसको, एक लाइन और बढ़ा देता हूं यहां पर मैं, देखिए 15 बचा आपका, 15 × 15 / 10 बराबर के 30 m। यहां से आप कर सकते हैं m बराबर 15 बटे, ठीक है, m बराबर 15 बटे 10 और गुणा 30, ये भी आपका 30 कहां जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 10 के साथ इंटू में, और 15 × 30 दो बार, यानी m बराबर आ गया 1/20, और 1/20 यानी कि m बराबर 20 में, 20 का भाग कर दीजिए 1 में, कितना जाएगा, 20 × 100 = 0.05, ठीक है, हेनरी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन जो है वो 3 बार बोर्ड में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर लें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा को लेकर के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।